बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट रहे और कलर्स के शो तेरे इश्क में घायल के लीड रोल निभाने वाले एक्टर करण कुंद्रा ने जब अपने सेट पे इस एक्ट्रेस को देखा तो उन्होंने कहा कि आ गई मेरी वाट लगाने के लिए। आखिर कौन है वो एक्ट्रेस और किसके आने पर करण कुंद्रा के होश उड़ते हुए उन्होंने ये लाइन कही है जो कैमरा में हो गई है कैद, आइए देखते हैं पूरी डिटेल्स। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फ्यूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति दसवाल। मैं आपको बता दूं बिग बॉस के एक सीज़न में करण कुंद्रा एज अ कंटेस्टेंट बखूबी अपना रोल निभाते हुए शो में काफ़ी हद तक आगे आए। इसके साथ साथ इनके फैन फॉलोइंग काफ़ी है और रिसेंटली ये तेरे इश्क में घायल इस शो में नज़र आ रहे हुए और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है उनका ये नॉन फिक्शन सा शो। मैं आपको बता दूं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का नाम वाकई बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इनफैक्ट लोग इनकी जोड़ी को देखे कपल्स गोल्स और न्यू बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। इधर वाकई एक दूसरे के साथ बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं। बिग बॉस के सीज़न में इन लोगों के बीच में प्यार हुआ था और बाहर आके अभी भी इनका प्यार बरकरार है, अभी भी इनका जोड़ी एवरग्रीन कपल्स के इसमें काउंटेड होता है। मैं आपको एक और चीज़ इनके बारे में बता दूँ कि नागिन 6 के नॉन फिक्शन शो मेन लीड रोल निभाते हुए नजर आ रही है तेजस्वी प्रकाश। साथ ही एक और नॉन फिक्शन शो जिसका नाम है तेरे इश्क में घायल, उसमें नजर आ रहे हैं करण कुंद्रा। दोनों ही आपके सबसे कपल अपने अपने शो को लेके काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी बिजी चल रहे हैं। फिलहाल नागिन 6 का जो शो है काफ़ी ज़्यादा TRP रेटिंग में आगे है। हालांकि हफ्ते में से दो बार आता लेकिन फिर भी TRP बखूबी निभा रहा है ये शो। TRP के रेट में आज भी और अभी भी सोनी कलर्स और सबके सारे चैनल से आगे आ रहा है 96 का TRP। इसके अलावा मैं आपको बता दूं करण कुंद्रा को सरप्राइज़ देने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड आप पहुंची तेरे इश्क में घायल सेट पे और उनको जब आई और उनको देख के करण कुंद्रा ने ये कहा कि आ गई मेरी छोटी मेरी वाट लगाने के लिए। तो ये जो वे था करण कुंद्रा का अपने तेजस्वी को लेके बोलना, ये बहुत फनी वे में उन्होंने कहा, बहुत ही प्यारा सा वे में उन्होंने कहा और तेजस्वी को चिढ़ाने के लिए, उनको चिड़चिड़ा करने के लिए ये चीज़ कहा। हालांकि लेकिन तेजस्वी का बहुत ही स्वीट सा गेस्चर देखने को मिला, वो स्माइल करते हुए उनको देखी। इनफैक्ट तेजस्वी जिस कंडीशन में वहाँ पर पहुँची थी उससे लग रहा था कि फटाफट से अपने शो का रैपअप और पैकअप करके वो करण से मिलने के लिए उनके सेट पर आई, क्योंकि नागिन का जो गेटअप था उनका मांग टिका, बड़े बड़े ईयरिंग्स एंड जो अटायर के साथ थी वो उसी अटायर में वो आ गई तेरे इश्क में घायल सेट पे और करण कुंद्रा से मिलने। इस दौरान और भी BTS सीन देखने को मिला जहाँ पे शो के जो लीड रोल में रिम शेख हैं और एक जो एक्ट्रेस हैं वो लोग डांस करते हुए नजर आए, जो कि शो का एक पार्ट है और ये एपिसोड में बहुत जल्दी दिखने वाला है। लेकिन इनका जो आपके साथ अनसीन सा सीन है और जो देखने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं, एक्साइटेड हुए हैं और देखने के बाद फैंस ऐसे बोल रहे यार जोड़ी होती इनकी जैसी और हो तो इनके जैसा, क्योंकि एक दूसरे के बिजी शेड्यूल में भी एक दूसरे को किस तरीके से टाइम देना, किस तरीके से एंटरटेन करना, किस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखना है, ये चीज करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश बखूबी अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को अपने तरीके से दिखाई दे। और इनको देख के कोई ये नहीं कहेगा कि ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये वाकई एक दूसरे की बहुत केयर कंसर्न और फीलिंग के साथ एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो फिलहाल और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फीफा फ्यूज़।